चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पातालगंगा के पास बनाई गई सुरंग को खतरा पैदा हो गया है। 3 दिन पहले पहाड़ टूटने की वजह से भारी मात्रा में पत्थर टूटकर सुरंग को काफी नुकसान पहुंचा चुका है और आगे भी पहाड़ टूटने का खतरा बना हुआ है। इस जगह पर गाड़ियों को गुजरने में काफी दिक्कत हो रही है और अगर तेज बारिश होती है तो एक बार फिर से भूस्खलन भी हो सकता है। ऐसे में पातालगंगा के पास आवाजाही भी खतरनाक बनी हुई है। 2-3 दिन पहले ये मलबा आ रखा है और अभी तक आप लोग देख लीजिए जितना ये एकदम छोटा जैसे चूहे का होल होता है ना, उस तरीके से इन लोगों ने अभी ये बिल टाइप का ओपन कर रखा है। तो अभी इसका ना तो सेफ्टी वॉल है ना कुछ है, ये ना मलबा ये साफ कर रखा है। अगर सडन इसको आगे से कुछ दिख भी नहीं रहा, हम लोग खुद गाड़ी चला रहे हैं तो आगे से कुछ दिख नहीं रहा है, उधर इधर आते समय भी नहीं दिख रहा और उधर जाते समय भी नहीं दिख रहा। कितना खतरा बना हुआ है? ये बहुत ज़्यादा खतरा है। इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारे गांव के सामने से है, बिल्कुल 100 मीटर। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के कुलागाड़ में भारी बारिश होने से एक झील बन गई है। काली नदी के किनारे करीब 200 मीटर लंबी झील बन गई है। झील में पानी लगातार बढ़ रहा है। झील के बढ़ने से निचले इलाकों में खतरे की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। बीते रोज कुलागाड़ क्षेत्र में भारी बारिश हुई थी जिस कारण झील वजूद में आई है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों ही सीट पर कब्जा कर लिया है। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज कराई है। मंगलौर सीट पर कांग्रेस ने 422 वोट से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया। 2022 में चुनाव जीतने वाली बीएसपी इस सीट पर तीसरे नंबर पर रही, जबकि 2022 में भी मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन इस बार मामूली अंतर से चुनाव जीते हैं। चमोली की बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस ने धमाकेदार जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला ने बीजेपी के राजेंद्र भंडारी को 5,224 वोटों से हराया। कांग्रेस के प्रत्याशी को 28,161 वोट मिले। बीजेपी के राजेंद्र भंडारी पहले कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और इसी वजह से चुनाव हुआ था। लेकिन बीजेपी को और राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ में बहुत जोर का झटका लगा। बीजेपी प्रत्याशी की करारी हार हुई है, जबकि कांग्रेस एक बार फिर से बद्रीनाथ सीट पर जीतने में कामयाब हुई। राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या के आसपास की 6 सीटों में बीजेपी हार गई। अभी बीजेपी हार की वजह भी नहीं समझ पाई तो बद्रीनाथ उपचुनाव में भी बीजेपी हार गई। इसलिए पूरे देश में बद्रीनाथ सीट के रिजल्ट की चर्चा है और अगला उपचुनाव केदारनाथ में होना है। देखिए, चौबीस साल में पहली बार सरकार चलाने वाली पार्टी उपचुनाव हार गई, पर चर्चा पूरे देश में बद्रीनाथ में भी हार की है जहां कांग्रेस जीत गई। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब बीजेपी के राम मंदिर बनाने के बावजूद अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनकर आए। अभी अयोध्या और आसपास की सीटों में बिहार की वजह बीजेपी समझ भी नहीं पाई तो भगवान विष्णु के धाम के नाम वाली बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी का सफाया हो गया। बीजेपी यहाँ कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी को तोड़कर अपने साथ लाई, उम्मीदवार बनाया, चुनाव लड़ाया, लेकिन बद्रीनाथ की जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को उम्मीदवार लखपत बुटोला को जिता दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के मुताबिक अयोध्या बद्रीनाथ के बाद अगला संदेश देश में केदारनाथ से जाएगा जहाँ 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। अब बीजेपी से जनता का मोहभंग हो गया है। जिस तरीके से भगवान राम ने अयोध्या में इनको पराजित किया, आज बद्रीनाथ भगवान ने भी इनको हराने का काम किया है। और क्योंकि इन्होंने सारे ऐसे काम किए जिसका बहुत बुरा असर पूरा पड़ा है सनातन धर्म में। जो बात शंकराचार्य जी ने कही उसको उसकी अवमानना करना, बुद्धिजीवियों की बातों का अवमानना करना, उसके लिए इनको भगवान राम ने अयोध्या से पनिशमेंट दी। और आज बद्रीनाथ ने भी हराकर भारतीय जनता पार्टी को साबित कर दिया कि ये गलत रास्ते पे हैं। अब भगवान केदारनाथ की बारी है, क्योंकि केदारनाथ में 223 किलो की सोरी की चोरी का इल्जाम लगातार लोग उठा रहे थे, उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार के पास उस पर जांच बैठाने तक का समय नहीं था।
बीजेपी बद्रीनाथ सीट जीतकर हिंदुत्व का बड़ा संदेश देना चाहती थी और इसके लिए कांग्रेस से भागकर आए राजेंद्र भंडारी को टिकट भी दिया, लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी बात बिगड़ गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में दिन रात जुटे कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का कहना है कि बद्रीनाथ से संदेश गया है कि भगोड़ों को टिकट देकर विधायक बनाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली। तो क्या बीजेपी का हिंदू हिंदू कहकर चुनाव जीतने का फॉर्मूला फेल हो चुका है? वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं, बल्कि यह चुनाव संकेत और संदेश और सुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है, बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। पीरान के लिए से लगा हुआ मंगलौर जहां मुस्लिम है और बद्रीनाथ जहां हिंदू है, जब बद्रीश भगवान का मंदिर है, आप हिंदुओं के भी नहीं हो पा रही बीजेपी ना मुसलमानों की? ऐसा नहीं है, अभी लोकसभा चुनाव में हमको 8,000 वोट वहां प्राप्त हुए, इसलिए इस प्रकार का समीक्षा करना कोई बहुत नहीं रहता। मैंने कहा कि जिस प्रकार सारे दलों ने मिलकर और एक रणनीति के तहत इस प्रकार की स्थिति बनाई, उसमें कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है, भविष्य को ठीक करेंगे। साफ है कि भगवान राम की नगरी के बाद जो संदेश वोटर ने दिया है वो पूरे देश में गया और देश में इस संदेश ने कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। और अब अगला उपचुनाव केदारनाथ सीट पर होना है जिसकी पहचान पूरी दुनिया में है। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का मसला शांत होता नहीं दिख रहा। शनिवार को केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर के बाहर बैठकर विरोध जताया तो मंदिर के मुख्य पुजारी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी दिल्ली में बन रहे मंदिर को गलत बताया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि दिल्ली में शिव जी का मंदिर बनने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केदारनाथ जैसा मंदिर और उसके नाम का गलत इस्तेमाल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि 2015 में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में बद्रीनाथ का मंदिर बनाया, वहीं मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट ने फिर सफाई दी है। ट्रस्ट का कहना है कि दिल्ली के केदारनाथ मंदिर का केदारनाथ से कोई लेना देना नहीं है। केदारनाथ धाम से एक वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है। यहाँ पर दो साधु आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खींच कर मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, भीम शिला के पीछे का ये वीडियो, हालांकि बाद में मामले को शांत करा लिया गया। रामनगर में तेज रफ्तार हादसों का कारण बन रहा है और शनिवार को एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने दो मासूम बच्चों को टक्कर मार दी, जिसमें बड़े भाई की मौके पर मौत हो गई और छोटी बहन बुरी तरह से घायल हो गई। घटना सावलदे के बवलिया चौकी के पास की है, जहां पर दोनों भाई बहन पानी लेने गए और उसी दौरान काशीपुर नंबर की एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। बाइक सवार हादसे के बाद बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। हल्द्वानी में सड़कों के हालात बेहद खराब हैं। बरसात के बीच ये गड्ढे यहाँ की तकरीबन हर छोटी बड़ी सड़क पर देखने को मिल जाएंगे। बारिश के बीच ये हाल हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का है। यहाँ ज्यादातर कॉलोनियों की सड़कों का यही हाल है। घर से निकलते ही लोगों का सामना इन मौत के गड्ढों से हो रहा है। कुछ मेन सड़कें तो पीडब्ल्यूडी ने बरसात से ठीक पहले सोलिंग कराकर छोड़ दी और अब यही सोलिंग लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, क्योंकि बारिश के बीच डामर करना भी संभव नहीं। ऐसे में लोग इन जानलेवा सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। इतने टाइम से गड्ढे हैं, कम से कम 2-3 साल हो गए इस रोड को ऐसे देखते हुए। आए दिन यहाँ पानी भरता है, आए दिन कोई ना कोई गिरता है यहाँ पर ये लोग ये चीजें नहीं देखते हैं। बाकी कहीं चलान कटना काटना उनको किसी का बाकी फालतू चीज करनी हो सब करेंगे। अभी कोई नेता यहाँ पे आ जाए आगे सब खड़े हो जाएंगे वहाँ। 2 दिन अगर कोई नेता यहाँ से जा रहा हो ना, 2 दिन में रोड बना देंगे, 2 दिन में लगेंगे, रातों रात में बना देंगे। पर वैसे आम इंसान के लिए कुछ नहीं करते हैं ये। हालांकि सब झटकों, गड्ढों और हिचकोलों के बीच कुमाऊं कमिश्नर का दावा है कि पीडब्ल्यूडी को सड़कों को लेकर डायरेक्शन दे रखे हैं जो बेहद क्लियर है। फुल टाइम डामरीकरण तो एडवाइजेबल खैर बरसात में नहीं होता है और उसमें लॉस भी होता है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन पॉट होल्स का काम, क्रैश बैरियर्स का काम, मलवा हटाने का काम,
ये रुकना नहीं चाहिए, ये तत्काल होता रहे। और कहीं पे अगर इस मामले में धन के आवंटन में इनको इश्यू आ रहा है तो सीधे बात मुझसे भी करें। सड़कों पर हुए इन जानलेवा गड्ढों से सबसे ज्यादा खतरा टू व्हीलर वालों को है, क्योंकि एक छोटी सी फिसलन उन्हें इन गड्ढों के जरिए सीधे स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा सकती है। लेकिन सरकारी महकमा केवल दावों तक सीमित है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में 22 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होगा। वहीं कांवड़ मेले की तैयारियां तेज हो गई है। कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इस पर पूरा फोकस है। वहीं कांवड़ पटरी से जल्द ही अतिक्रमण हटाया जाएगा। कांवड़ पटरी से शिव भक्त जाते हैं, ऐसे में वहां से अब अतिक्रमण हटाया जाना है। चमोली में फूलों की घाटी में इन दिनों रौनक है। चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस बीच फूलों की घाटी में रिकॉर्ड सैलानी पहुंच रहे हैं। अभी तक फूलों की घाटी में 3,705 विदेशी और 5,479 देशी सैलानी पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नबुंदरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब भगवान बद्र विशाल की पूजा नए रावल अमरनाथ नबुंदरी करेंगे। 16 साल तक भगवान बद्र विशाल की पूजा करते, विदाई के दौरान रावल ईश्वर प्रसाद के नबुंदरी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की सेवा करने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने भगवान बद्र विशाल की पूजा तन मन से की। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में आषाढ़ मेले की धूम देखी जा रही है। इस बार कोट गांव में मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने साथ साथ पर्यटक भी पहुंचे हुए हैं। ढोल की धुन पर संस्कृति की पारंपरिक झलक देखने को मिली। कोट गांव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर रासो तांदी डांस कर लोगों झूमते हुए नजर आए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट रिजर्व की गई। मगर अल्मोड़ा में लापरवाही का आलम यह है कि सिर्फ 200 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाया। एक रिपोर्ट देखिए। निजी स्कूलों में 25% सीटें निःशुल्क गरीबों के लिए आरक्षित की गई हैं। 1211 बच्चों को अल्मोड़ा के 163 निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जानी थी, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बाद भी सिर्फ 209 बच्चों को ही अधिकारी स्कूलों में एडमिशन दिलवा पाए। करीब 1000 से अधिक सीटें अभी भी खाली। अधिकारी अब दोबारा विज्ञापन निकाल कर निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन मांगने का दावा कर रहे हैं। जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत 163 विद्यालय इसमें हैं, जिसमें सीटें 211 हैं, 209 सीटें भर चुकी हैं। क्या प्रयास के द्वारा अब नया विज्ञापन निकला हुआ है, तो इसके अंतर्गत कार्रवाई की डिमांड है। विपक्ष और शिक्षक नेताओं को शिक्षा विभाग को घेरने का मौका मिल गया। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार चाहती ही नहीं कि गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा ले। जैसी जानकारी प्राप्त हुई है, मेरी जानकारी के अनुसार प्राप्त हुआ है कि अभी भी हमारे उत्तराखंड के यहाँ पर अल्मोड़े में कई ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा के अधिकार के मानक को पूर्ण नहीं कर रहे हैं कि 25% से बच्चों को पढ़ाया जाए, निःशुल्क पढ़ाया जाए करके। तो इसमें बहुत घोर लापरवाही है। जो निजी विद्यालय बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवा रहे हैं जो 25% से है शिक्षा के अधिकार के, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा कारण वैसे सरकार को माना जाता है, क्योंकि सरकार का जो आदेश आया है उस आदेश के तहत इन्होंने क्या रखा है कि 31 मार्च 2024 से तक जिसको 6 साल पूरे हो जाते हैं, जबकि इससे पूर्व में जो एडमिशन किए जाते थे जो सितंबर के महीने तक किए जाते थे, सितंबर तक जिसको 6 साल पूरे हो जाते हैं उनका एडमिशन किया जाता था। हालांकि अधिकारी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि निजी स्कूल भी मुफ्त में पढ़ाई से पीछे हटते हैं, और ऊपर से पिछले सालों का रिकॉर्ड भी है कि सिर्फ खानापूर्ति हुई है। लिहाजा अल्मोड़ा में कितने गरीब बच्चों को एडमिशन मिल पाता है ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
अल्मोड़ा में राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए अल्मोड़ा और रानीखेत में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 3,881 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इसके साथ ही केंद्रों पर सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। विकासनगर सहित पूरा पचवादून धीरे धीरे नशे का हब बनता जा रहा है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एजुकेशन के हब के रूप में मशहूर देहरादून के पचवादून क्षेत्र का युवा इन दिनों नशे के आगोश में जा चुका है। स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले लड़कों को भी नशे ने अपनी चपेट में ले लिया है और नशे की लत को पूरा करने के लिए कई युवा चोरी में लिप्त होते जा रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में चोरी की वारदात के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और तमाम हमारा जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ समझ लीजिए कि ये नशा पहुँचता है। हमारे ये कोई परिवार होगा, बहुत कम है जो सौभाग्यशाली जिनका बच्चा इससे दूर है। पछुआदून का ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यदि बीते साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है साल 2023 में 103 NDPS के रहे मामलों में 109 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें 13 महिलाएं भी शामिल हैं। इनसे 16 किलो चरस और 2 किलो स्मैक बरामद हुई है। साथ ही मात्रा में नशीले इंजेक्शन, नशे की गोलियां, गांजा और डोडा पोस्ट भी बरामद किए गए। वहीं 69 अवैध शराब के मामलों में भी 72 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2024 में अभी तक कुल 31 मामले NDPS में सामने आए, जिसमें एक महिला समेत 34 अभियुक्तों को जेल भेजा गया। साथ ही 54 अवैध शराब के मामलों में भी पुलिस 54 अभियुक्तों को जेल भेज चुकी है। हालांकि बीते साल के मुकाबले इस साल अभी तक नशे के मामले में कुछ कमी दर्ज की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बड़े अपराधी सलाखों के पीछे जा चुके हैं, साथ ही लोगों की जागरूकता के लिए अभियान भी चला रही है। जो नशे के दुष्परिणाम हैं, उनसे लोगों को वाकिफ कराने के लिए हमारे द्वारा, जैसा कि SSP महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सोमवार को विभिन्न स्थानों पर चौपालों का आयोजन करें, तो हमारे द्वारा चौपालों का आयोजन किया जाता है। नशे और क्राइम के इन मामलों में अक्सर दूसरे प्रदेश के लोगों की भूमिकाएं सामने आती रही हैं, जिसे लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी पुलिस को सख्ती से निपटने की हिदायत दी है। नशे में कुछ कमी के बावजूद पछुआदून की शांत वादियां कैसे इतनी जल्दी नशे के बड़े हब में तब्दील हो गई, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल अब पुलिस के सामने नशे पर तेजी से काबू पाने और राज्य को 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने की चुनौती है। न्यूज 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट।